नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। आर्यन खान केस की आज तेज हो गई है, तो जांच ड्रग्स केस की जांच कर रहे समीर वानखेड़े तक पहुंच चुकी है इसकी आज। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे एनसीबी मुंबई के ज्वाइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े की जांच अब एनसीबी का विजिलेंस डिपार्टमेंट करेगा। वानखेड़े पर आर्यन खान को छेड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की डील करने के अलावा फिल्मी हस्तियों से पैसों की उगाही के भी आरोप लगे हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में जेल भेजने वाले समीर वानखेड़े चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे से बार बार पूछताछ करने वाले और देरी से एनसीबी पहुंचने पर झाड़ लगाने वाले समीर वानखेड़े इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती को जेल भेजने वाले समीर वानखेड़े के सामने खुद जेल जाने की नौबत है। समीर वानखेड़े मुंबई पुलिस को डोंट अरेस्ट मी का खत लिख चुके हैं, यानी उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। ये डर किस वजह से है वो भी आपको बताएंगे, मगर समीर वानखेड़े के लिए एनसीबी की तरफ से ही आई बड़ी खबर सुनिए। भ्रष्टाचार, सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा और मुंबई से दुबई तक बड़ी बड़ी हस्तियों से उगाही के आरोपों का सामना कर रहे समीर वानखेड़े की जांच अब खुद एनसीबी करेगी। एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच करेंगे। महानिदेशक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र से ये सूचना प्राप्त हुई है, उसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने इस पे एक इंक्वायरी मांग की है जो कि सतर्कता विभाग में प्राप्त हुई है, इस पे हम आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। एक तो महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है, तो दूसरा मगर सबसे संगीन इल्जाम क्रूज केस में गवाह प्रभाकर सेल का है। वहाँ पर सालेकर करके एक ऑफिसर थे एनसीबी के, सालेकर जी। तो उन्होंने मुझे पेपर्स दिया, बोलते इसमें साइन कर, मतलब सर ब्लैंक है ये पूरा। अच्छा, वहाँ से वानखेड़े साहब आ गए, मतलब समीर वानखेड़े, समीर वानखेड़े हाँ। उन्होंने मुझे बोला अरे साइन कर रहे काय ना, मतलब सर ब्लैंक है, तो सालेकर साहब बोले अरे कर काय ना होत करो। प्रभाकर ने आरोप लगाया है कि समीर वानखेड़े ने उनसे बतौर गवाह सादे दस्तावेजों पर दस्तखत करवाए थे। प्रभाकर सेल ने एक हलफनामे में आरोप लगाया है कि उसने एनसीबी के अधिकारियों को टेलीफोन पर बात करते सुना था कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए मांगे गए। आज तमाम सबूत लेकर प्रभाकर अपने वकील के साथ मुंबई पुलिस के जॉइंट सीपी क्राइम के दफ्तर पहुंचे। प्रभाकर जी, पुलिस कंप्लेंट फाइल करने के लिए आए हैं? प्रभाकर सेल उस केपी गोसावी का बॉडीगार्ड है जिसकी तस्वीर आर्यन खान की गिरफ्तारी के दिन सामने आई थी, मगर उसके बाद से ही वो गायब हो गया और उसके गायब होने के बाद प्रभाकर को अपनी जान का डर सता रहा है। तो वहीं शिवसेना ने भी समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब तक नवाब मलिक साहब ने कुछ बातें सामने लाई है, अब आगे का इंटरवल के बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। तो क्या शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को किसी साजिश के तहत फंसाया गया? क्या ड्रग्स केस के नाम पर फिल्मी हस्तियों से वसूली का खेल चल रहा था और इसमें सियासतदान भी जुड़ गए थे? तमाम सवाल यही इशारा करते हैं कि ड्रग्स केस कुछ ज्यादा ही उलझ गया है और इसमें इतने पेच हैं कि उन्हें सुलझाना आसान नहीं होगा। मुस्तफा शेख और अरविंद ओझा के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। करोड़ों की डील के आरोपों की जांच अब शुरू हो गई है, मगर समीर वानखेड़े के खिलाफ महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने एक और आरोप जड़ दिया है। आरोप है कि समीर वानखेड़े ने नौकरी के लिए जाति प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा किया। वानखेड़े ने इन आरोपों को ड्रग्स केस की जांच को भटकाने की साजिश बताया है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ड्रग्स केस की जांच कर रहे हैं, मगर इस केस में होने वाले खुलासों से बड़े खुलासे उनकी जाती जिंदगी को लेकर हो रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक से उनकी ठन गई है और आज नवाब मलिक ने एक सनसनीखेज ट्वीट कर समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाए।
नवाब मलिक ने एक बर्थ सर्टिफिकेट ट्वीट किया और दावा किया कि यह समीर वानखेड़े का बर्थ सर्टिफिकेट है। इसमें समीर वानखेड़े का नाम समीर दाऊद वानखेड़े लिखा है। उनके पिता के नाम पर एस्टेरिक्स का मार्क है और दाहिनी तरफ इस गलती को सही कर दयान देव वानखेड़े लिखा है। सर्टिफिकेट में समीर वानखेड़े का धर्म मुस्लिम लिखा है। इस ट्वीट के साथ नवाब मलिक ने लिखा, समीर दाऊद वानखेड़े का यहां से शुरू हुआ फर्जीवाड़ा। आखिर वो किस फर्जीवाड़े की बात कर रहे हैं? समीर वानखेड़े एक आईआरएस अधिकारी हैं और वो अनुसूचित जाति कोटे के तहत चुने गए थे। मलिक का आरोप है कि वानखेड़े ने नौकरी के लिए जाति प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा किया है। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। बर्थ सर्टिफिकेट उनका समीर दाऊद वानखेड़े का है। बर्थ सर्टिफिकेट में टेम्परिंग करके जो उनके पिताजी ने धर्मांतर करने के बाद नाम बदला था उसे फिर दुरुस्त किया, उसके आधार पे कास्ट सर्टिफिकेट निकाला गया। जो दलित कैंडिडेट थे आईआरएस के उनके अधिकारों को फर्जीवाड़े के जरिए छीना गया है। एक एनसीपी कार्यकर्ता ने एक और तस्वीर ट्वीट की जिसे लेकर समीर वानखेड़े की पहली शादी की तस्वीर होने का दावा किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है ये उनके निकाह की तस्वीर है। इसी में से क्रॉप की गई तस्वीर को ट्वीट कर नवाब मलिक ने लिखा, पहचान कौन। इस वक्त समीर वानखेड़े की पत्नी मराठी एक्ट्रेस क्रांति रेडकर हैं। जब समीर वानखेड़े आरोपों के तूफानों से घिर गए तो क्रांति रेडकर उनके बचाव में कूद पड़ी। उन्होंने ट्वीट किया, आप जब लहरों के खिलाफ तैरते हैं तो हो सकता है कि वो आपको डुबो दे, लेकिन ईश्वर आपके साथ है। तो इस दुनिया की कोई भी लहर इतनी बड़ी नहीं है कि वो आपको डुबो दे, क्योंकि सिर्फ वही सच जानता है, सत्यमेव जयते। तमाम आरोपों को लेकर एनसीबी दफ्तर पहुंचे समीर वानखेड़े ने मीडिया से बात नहीं की, मगर सेशन कोर्ट में उन्होंने अपना पक्ष रखा, जहां दो हलफनामे दायर किए गए हैं, एक समीर वानखेड़े की तरफ से और दूसरा एनसीबी की तरफ से। वानखेड़े ने अपने हलफनामे में कहा है कि कोर्ट उन्हें मिल रही धमकी का और जांच को भटकाने की कोशिशों का संज्ञान ले। विटनेस बॉक्स में खड़े होकर समीर वानखेड़े ने कहा, जब ये केस सामने आया है तभी से मुझे निशाना बनाया जा रहा है। मेरी मृत माँ, मेरे पिता और परिवार पर निशाना साधा जा रहा है। मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, केस को प्रभावित किया जा रहा है, वानखेड़े ने कहा। आज उन्होंने एक तस्वीर भी पोस्ट की है। जो भी कोर्ट प्रोसीजर है वो हम कर रहे हैं, उस पर अभी मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। सारी चीजें माननीय न्यायालय के सामने लंबित है, तो उस पर कमेंट करना मेरे लिए एफिडेविट है, लेकिन उनके विषय में आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा किन मुद्दों पर। समीर वानखेड़े जो है कुछ धमकी मिली है पॉलिटिकल खड़े साहब की तरफ से, ये ऐसी चीजें हमारे सामने। दरअसल आर्यन ड्रग्स केस के सामने आते ही मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर आरोपों की झड़ी लगा दी थी। उनके दामाद को भी एक ड्रग्स केस में जेल की हवा खानी पड़ी थी और वो अब जमानत पर हैं। मलिक के आरोपों का जवाब समीर वानखेड़े दे चुके हैं, मगर जांच करते करते वो खुद जांच के फंदे में फंस जाएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। आर्यन ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर सेल ने आरोप लगाया है कि 18 करोड़ लेकर वानखेड़े ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन को छोड़ने की डील की थी। कमलेश सुतार के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। आर्यन केस में सियासत पहले दिन से ही शुरू हो गई है। अब एक तरफ महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार और उसके सहयोगी दल है तो दूसरी तरफ बीजेपी है। इस बीच सवाल यह है कि सियासी हिसाब चुकता करने के लिए फिल्मी सितारों के बच्चों को तो निशाना नहीं बनाया गया। एक गवाह, एक हलफनामा, नई कहानी। सुर्खियों में छाए क्रूज ड्रग्स केस में नया ट्विस्ट ले आया है। फिल्मी कहानी की तरह ही केस में किरदार जुड़ते जा रहे हैं और मामले का सच सस्पेंस बनता जा रहा है। लेकिन ड्रग्स केस के सबसे नए कैरेक्टर प्रभाकर साली के करोड़ों की डील वाले खुलासे से एनसीबी की कार्रवाई पर नए सवाल उठ गए हैं।
आरोप सीधे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी मामले में वसूली का है और इसके सीधे टारगेट पर हैं एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े। इस तरह से बयान दिए हैं, हमें लगता है इससे चौंकाने वाली चीजों के खुलासे हो रहे हैं। हम पहले दिन से कह रहे थे कि समीर वानखेड़े जब से इस विभाग में आए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को टारगेट किया। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन की गिरफ्तारी के बाद शहीद समीर वानखेड़े महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के निशाने पर हैं और अब केस के चश्मदीद प्रभाकर के बयानों ने सरकार को एनसीबी पर हमले का बड़ा मौका दे दिया है। लेकिन बात अभी इतनी सीधी भी नहीं, वानखेड़े भी इन आरोपों का जवाब देने को तैयार हैं। आज तक से बातचीत में उन्होंने साफ कहा है कि वक्त आने पर गोसावी के बॉडीगार्ड को सही जवाब मिलेगा। वहीं इस नए खुलासे के बीच बीजेपी और उसके सहयोगी समीर वानखेड़े के समर्थन में उतर आए हैं। बीजेपी नेता सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्रूज केस के 22 दिन बीत जाने के बाद एकाएक गवाह सामने कैसे आ गया। 22 दिनों के बाद जो प्रभाकर की बातें सामने आ रही हैं, वे 22 दिन खामोश क्यों थे जब महाराष्ट्र सरकार के बाद एक मंत्री पत्रकार वार्ता लेकर के एनसीबी को बदनाम कर रहे हैं, उनका मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री समेत शरद पवार जी, पूरी की पूरी फौज महाराष्ट्र सरकार की एनसीबी को घेरने के पीछे पड़ी है और इन हालात में जब 48 घंटे पूर्व महाराष्ट्र सरकार का एक मंत्री कहता है कि वे समीर वानखेड़े और उनकी टीम को जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे, उसके बाद ये प्रभाकर की बातें सामने आती हैं। हालांकि गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर ने आज तक से बातचीत में इस सवाल का भी जवाब दिया है जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि हाई प्रोफाइल ड्रग्स केस में महाराष्ट्र पुलिस भी एक एक गवाह पर नजर बनाए हुए है। मामला होकर अभी 20 दिन हो गए, आज आप क्यों बोल रहे हो इस बारे में? मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है, मेरे वाइफ के मुझे बहुत कॉल आ गए और उन्होंने मतलब मेरे वाइफ ने मुझे बताया कि पुलिस की इंक्वायरी चल रही है, बार बार उनको कॉल जा रहे हैं करके। पुलिस की इंक्वायरी? कौन सी पुलिस? महाराष्ट्र पुलिस की। उनकी वाइफ की इंक्वायरी हो रही है आपकी? इंक्वायरी मतलब कॉल जा रहा है कि आपके हस्बैंड है किधर। हाँ, फिर उनको हरेसमेंट हो रहा है मेरी तरफ से, मतलब मेरे वजह से। वजह से जी हाँ। तो मेरे अंदर अभी डर पैदा हुआ कि इतना अगर हो रहा है तो मेरे ऊपर भी आ सकते हैं। तो इसका डर लग रहा है आपको? यही, अगर मैं पंचनामा में हूँ, मेरा ब्लैंक पेपर पे साइन लिया है, तो वानखेड़े सर को लगता रहेगा कि ये आदमी को पहले उठा लो करके।